हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले चॉकलेट ट्रफल केक। उसके लिए हमको चाहिए ऑयल 1/4 कप, एंड उसके बाद कर्ड 1/3 कप, पाउडर शुगर 1/2 कप। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसमें हम डालेंगे मैदा 1 कप, एंड उसके बाद कोको पाउडर 1/4 कप, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा ही डालना है बेकिंग सोडा। इन सबको अच्छे से हम अभी मिक्स कर लेंगे। छन्नी की मदद से आप इसको छान के ले लीजिए ताकि जो भी लम्स है वो निकल जाए। इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे मिल्क 1/4 कप। जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके से फ्लूइड में होनी चाहिए। इसके बाद केक टिन ले लीजिए, उसमें आप ऐड कर लीजिए बैटर। मैंने इसको ग्रीस करके रखा था बटर से, एंड उसमें आप ऐड कर लीजिए जो हमारा रेडी है बैटर। इसको टैप कर लीजिए ताकि जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। इसको हम बनाएंगे पैन पे। पैन को आप रीहीट कर लीजिए 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद उस पर केक मोल्ड रख लीजिए, और हमको मीडियम फ्लेम पे बेक करना है 30 to 40 मिनट्स। इस तरीके से आप, ओवन नहीं है तो इस तरीके से भी आप बेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, टूथपिक के हेल्प से हम चेक करेंगे कि केक हमारा बेक हुआ है कि नहीं। ओके, ये कम्प्लीटली बेक हो गया है केक। अभी हम रेडी करेंगे गनाश। इसके लिए डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है मैंने 1 कप। इसको डबल बॉयलर की हेल्प से हम ऐड करेंगे। उसमें हमने व्हिप क्रीम यूज़ किया है। अब चाहिए तो नॉर्मल अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मेल्ट कर लिया है। ये जो हमारा केक ठंडा हो गया, इसको हम ले लेंगे। इसको अनमोल करके स्लाइसेस में कट करेंगे। ये देख से कितना फ्लफ़ी बना है हमारा केक। ये कम्प्लीटली एगलेस केक है गाइज। अब ज़रूर ट्राई कीजिए इसको, बहुत ही आसान है ये। इस तरीके से हम इसको स्लाइस में कट करेंगे। अपर लेयर हटा दीजिए, आप चाहिए तो अपर लेयर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। गनाश हमने रेडी किया है गाइज। उसके लिए हमने डबल बॉयलर मेथड यूज़ किया है। आपने देखा है उस तरीके से आप आसानी से चॉकलेट सिरप बना सकते हैं। ये देखिए कट हो गया हमारा केक। इसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। थोड़ा व्हिप क्रीम जो है उसको भी मैंने रेडी कर लिया है, जिसमें हम मैंने थोड़ा कोको पाउडर ऐड किया है। उससे पहले हमने शुगर सिरप जो है थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। इससे क्या होता है कि केक में एक मॉइस्चर बना रहता है। एंड ये जो है हमारा व्हिप क्रीम है उसको रूम टेम्परेचर में होने के बाद उसको अच्छे से बीट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर मिला लीजिए, तो ये हमारा व्हिप क्रीम रेडी है। मैं यहाँ पे फिर से सिरप ऐड कर दे रही हूँ, शुगर सिरप है। इसके बाद मैं इस पे ऐड कर रही हूँ चॉकलेट सिरप। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट नहीं पसंद है तो ये आप सिरप स्किप कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा क्रीम पसंद नहीं है, दैट्स वाई मैंने ये सिरप यूज़ किया है। इसके बाद और एक लेयर, उसके बाद फिर से सिरप स्प्रेड करके व्हिप क्रीम से हम डेकोरेट करेंगे। मैंने व्हिप क्रीम ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, एकदम कम्प्लीटली कम क्वांटिटी में यूज़ किया है। आप चाहिए तो अच्छे से व्हिप क्रीम यूज़ कर भी सकते हैं। जो हमने गनाश बनाया था गाइस, उसको मैंने फ्रीजर में ठंडा होने के बाद उसको अच्छे से बीट कर लिया है। उसके बाद इसकी ये जो कंसिस्टेंसी आप देख रहे, जो मैंने स्प्रेड किया है उस तरीके से हमको मिल जाएगा। तो उसको मैंने एक अपर लेयर कोट दिया है, और जो चॉकलेट सिरप हमने बनाया था इसको मैं स्प्रेड कर लेती हूँ इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी बाज़ार के बेकरी जैसा केक बनेगा, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी भी रहेगा। ये स्प्रेड कर लिया है, इसको आराम से आप प्लेस कर लीजिए। ये हमारा केक रेडी है। चलिए अब हम इसको डेकोरेट करते हैं। जो हमने चॉकलेट सिरप स्प्रेड किया था अपर लेयर में, उसको मैंने कोन में डाल के डेकोरेट कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। इस तरीके से ये बिल्कुल भी बाजार जैसा ही दिखेगा। और जो बचा हुआ है चॉकलेट का जो गनाश है, मैं यूज़ कर रही हूँ डेकोरेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप आपकी पसंद से आप डेकोरेट कर सकते हैं केक को।
तो ये रहा हमारा चॉकलेट ट्रफल केक। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।